Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't need a fan. Credit cards and scammers. Getting no licks in the band. Legacy. अभी जो है वो मैं चावल बना रही हूँ. अभी मैंने गोश्त को जो है वो गला लिया अच्छे से. इसके अंदर मसाले भी अब ऐड कर दिए हैं और बॉईल आ गया. अब चावल डालने लगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सारा कुछ कर लिया था. बस सिर्फ अब यही रह गया, ये वाला स्टेप रह गया. चावल डाल के फिर अच्छे से उसको पका के फिर दम लगा दूँगी बस, और चावल रेडी हो जाएंगे. किचन में कुछ मैं इस तरह से काम कर रही हूँ कि चावल बन रहे हैं और दम लगाने के लिए भी मैं रखने लगी हूँ, और साथ में कुछ ये चल रहा है. मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा. मैं ज़रा बंद कर दूँ जो मैं ये जो है वो मैं मूवी देख रही थी साथ में, और मूवी बहुत मज़े की. पंजाबी मूवी है. पंजाबी मूवीज़ का अगर किसी को क्रेज़ है तो बताना, लेकिन मुझे नॉट लाइक क्रेज़ है क्योंकि मैं ज़्यादा भी नहीं देखती पंजाबी मूवीज़. 4-5 देखी हुई हैं और वो ये रिपीटिवली देखती हूँ. लेकिन ये मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, उसने कहा था कि ये ज़रूर देखना, तो फिर मैं इसलिए देख रही हूँ. और सो फार द मूवी इज़ गोइंग सीरियसली वेरी नाइस. इसकी स्टोरी लाइन बड़ी ही ज़बरदस्त है. स्पेशली द गर्ल करेक्टर उसका मुझे बहुत ही, मुझे लगता है शायद बहुत सारी लड़कियाँ इससे रिलेट करेंगी. मूवी का नाम किस्मत है. हाँ किस्मत ही ना. हाँ किस्मत है. ये यहाँ पे जो है वो मैं पेंटिंग कर रही थी, और पेंटिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी कंप्लीट हो गई है, बाकी बहुत सारी रहती है. इसके अलावा जो ब्रशेस वगैरह अभी उनको वॉश करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी नीचे. और स्प्राइट मैंने साथ साथ रखी हुई है क्योंकि यार पता नहीं क्यों मैं इवन कि एंटी डायरिया भी ले रही हूँ. उसके अलावा जो है भाई फ्लैजल भी दे रहे हैं. बड़ा सीन चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है, उसकी वजह से स्टमक एक बहुत होता है और खाया कुछ नहीं जाता. पता नहीं सबका ये हाल है या फिर मेरा स्पेशल चल रहा है. और वेट मेरा, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी ना लूज़ हो, हो गया, हो जाता है यार गर्मियों में. खैर दोबारा से गेन इंशाल्लाह कर लेंगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो. और इसके अलावा पेंटिंग जो है अभी मेरी कंप्लीट होगी. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग जाएंगे इस पर 2-3 दिन लग जाएंगे. 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी. इसके अलावा मैं कुरान पाक लेकर आई थी. कुरान पाक जो है वो पीछे चेयर पर पड़ा हुआ है, तो उसकी मैंने कवर की मेजरमेंट्स लेनी थी क्योंकि मैंने उसके लिए भी कवर तैयार करना है, तो इसलिए वो भी लेकर आई थी. उसका भी कवर तैयार कर लेंगे, वो भी इसी वीक में हो जाएगा. अभी तो पेंटिंग का कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि क्या बन रहा है, लेकिन बनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्या बन रहा है और अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा. फिलहाल नीचे चलती हूँ, कुछ खाती हूँ, सारे ब्रशेस वगैरह समेटूँ, इनको उनकी जगह पर रखूँ और नीचे जाऊँ. इधर आके मैं नीचे बैठी थी और लियो की जो है वो ताड़ी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं जो हूँ जब ऊपर जाती हूँ फिर नीचे आती हूँ ना, तो लियो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हुआ होता है और वो फिर इस तरह से बेचारा घूम रहा होता है. वो बल्कि सबके लिए हो जाता है, कोई भी बाहर से आए ना या कोई थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए तो वो उसके लिए इतना पोजेसिव हो जाता है. उसको प्यार कर रहा होता है कि यार ये बंदा किधर चला गया था, थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाओ तो देखो इतना प्यार करता है. तो जिनके पास पेट नहीं है ना कोई पेट रख लो, क्योंकि पेट जो होते हैं ना वो आपको इंपॉर्टेंट फील कराते हैं. मतलब घर में इज्जत मिलती हो ना थी, वो पेट आपकी इज्जत बना ही देगा. नीचे मैं आ गई हूँ. आकर मैं अपने सारे पेंट ब्रशेस वगैरह सब वॉश करके आई थी, और अब मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है शदीद किस्म की. मेरे राइस जो है वो मैं ले आई हूँ गर्म करके, और अब मैं बैठ के खाने लगी हूँ. मैं अकेली बैठ के खा रही हूँ क्योंकि बाकी सब ने जो है वो अपना अपना कर दिया डिनर. तो साथ में स्प्राइट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, स्प्राइट नहीं एक्चुअली 7-Up है. हाँ 7-Up है साथ में. और अब खाना खाने लगी हूँ, और ये कल वाले चावल ही हैं जो मैंने बनाए थे मटन वाले. बहुत इसमें हल्की सी, बहुत लाल मिर्च बहुत कम डाली थी, नमक था वो भी हल्का सा, हर चीज़ बहुत कम ही रखी थी. सिर्फ मुझे जैसे यखनी पुलाव होता है ना उस टाइप का, ये बस. खाना मैंने खा लिया, अब लियो की बारी है खाना खाने की. वो लियो खाना खाएगा और उसके बाद मैं बर्तन धोने चली जाऊँगी. बर्तन धोएंगे बस, फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, किचन में थोड़े काम है वो करने हैं. मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ और साथ में रायता बना के रखूँगी क्योंकि मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है. तो मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको जो है वो मेरे हाथ की बिरयानी खानी है तो लेकर आऊँ. तो मैं बोला अच्छा चलें ठीक है देखेंगे. मैंने उसको अभी बताया नहीं कि बना रही हूँ, बस मैंने बोला देखेंगे. सो बनाती हूँ मैं. एज़ यूजुअल बर्तन धोते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे जब तक बर्तन धुल रहे होते हैं. मैंने जो है कुछ आजकल व्लॉग जो है वो कम किए हुए हैं क्योंकि व्लॉगिंग इसलिए मैंने कम किया. वैसे तो मैं जो जो मिलता है साथ साथ वीडियो शूट करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम की कमी है फिलहाल. सिर्फ इस मेरे ख्याल से ये कोई 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रहेगी, फिर उसके बाद मैं दोबारा से इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग पे आ जाऊँगी. असल में ये चल रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी का भी काम चल रहा है, फिर उसके बाद पेपर्स आ रहे हैं तो उसकी भी टेंशन चल रही है, फिर मेरे बिज़नेस से
रिलेटेड भी जो है वो भी काम चल रहा है, तो उससे भी मतलब काफ़ी सारे फिर पेंटिंग भी कर रही होती हूँ, वो तो खैर मैं कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को दिखानी ही होती है। लेकिन इस तरह के ना चार पाँच जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हैं और पेंडिंग पे भी पड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बार जो है वो सारे हो जाएँ, फिर उसके बाद मैं आराम से जो है व्लॉगिंग करूँ। क्योंकि व्लॉगिंग इटसेल्फ जो है वो एक पूरी जॉब है कि आपने हर चीज़ जो है वीडियो बनानी है, फिर उसको टाइम से एडिट करना है, उसे अपलोड करना है, तो आई थिंक थोड़ा सा मसला हो जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए मेरे जो है ना वो अभी बीच में छुट्टी आ जाती है मुझे ना, मैम नबीला भी उन्होंने मैसेज किया था कि अगर व्लॉग ना आए छुट्टी करो तो उस दिन फ़ाइन पड़ता था, मैं उनसे भी पूछ रही थी क्या फ़ाइन पड़ता था, वो मुझे बता दें जी क्या फ़ाइन पड़ता है। ये जो है ना वो गोश्त मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, इसकी मैंने बिरयानी बनानी है, और उसके बाद ये जो है वो नैपकिन्स जो हैं किचन नैपकिन्स जो हैं वो रखे हैं मैंने वॉश होने के लिए, और इसके अलावा मैंने सिंक वॉश करना है अभी बस सिंक, क्योंकि जब गोश्त वॉश करो ना तो सिंक लाजिम वॉश करना पड़ता है, नहीं तो स्मेल आती है। उसके अलावा ये दवाई पी रही हूँ, तो बस ये बस बैठ के पीती हूँ, उसके अलावा काम शाम ही चल रहे हैं। आज का ब्लॉग इतना ही है बस, कल आप लोगों को जो है वो बिरयानी की अपडेट मिल जाएगी, तो इधर ही एंड करती हूँ, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। ये जो है वो आज का क्लिप है, इसमें जो है भाई ने ऑर्डर किया था सबवे और मैं लेकर आ गई थी गोरमे से सैंडविच, मैं भाई के लिए लेकर आई थी, भाई ने ऑलरेडी मेरे लिए रखा हुआ था, तो ये केयर आप लोग देख सकते हैं भाई बहन की केयर। तो अभी जो है वो मुझे और भी बहुत सारे काम है फिलहाल, इसके बाद ना मैं अभी बैठ के यही खाने के बाद सैंडविच, और इनका ये सैंडविच इंतहाई फ्रेश होता है गोरमे वालों का, सिर्फ ये वाला जो होता है वेजिटेबल एंड चिकन सैंडविच जो होता है ना बहुत फ्रेश होता है, बाकी जो है मुझे इनकी चीज़ें कोई ख़ास बेकरी आइटम जो है इतने पसंद नहीं है, लेकिन सैंडविचेस इनके बहुत आला होते हैं, भाई भी जब भी लेना होता है सिर्फ ये वाला लेते हैं। तो आप लोगों ने भी अगर ट्राई किया तो वेल डन, लेट मी नो, और अगर नहीं किया तो ट्राई कर लें, और सबवे तो सबको पता है कि कितना अमेजिंग होता है, मुझे सबवे बहुत बहुत पसंद है। और फिलहाल के लिए आज इतना ही, आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इस वीडियो को आप लोगों ने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।